महाराष्ट्र का डमी रैकेट जिसके तार पुणे, नागपुर, नांदेड़, रत्नागिरी, परभनी तक जुड़े हुए थे। रैकेट से जुड़े लोग बेखौफ होकर कंपटीशन परीक्षा में डमी बिठाने का काम करते थे, लेकिन इस जोखिम भरे काम के लिए ये लोग करोड़ों रुपए लेते थे। इतना ही नहीं, ये रैकेट सरकारी महकमे में लोगों को अधिकारी पद पर काम दिलाने का भी काम करता था। इस डमी रैकेट का खुलासा तब हुआ जब रैकेट का मास्टरमाइंड प्रबोध मधुकर राठौड़ को किनवट तहसील के मांडवी गाँव से गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जाँच औरंगाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शंकर केंगार कर रहे थे। मांडवी पुलिस स्टेशन में डमी मद बिठा के शासकीय सर्विस में जो लोग पास हुए हैं, इस डमी उम्मीदवार के खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च की गई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी कर रही है। उसके मुताबिक हमने एक अक्यूज को पकड़ा था 7 दिन पहले, उसकी पुलिस कस्टडी आज ख़त्म हो रही है। आज उनको रिमांड के लिए पेशी की है आज कोर्ट में। और दूसरा एक जो एक्चुअल डमी बन के एग्ज़ाम दे रहा था उसको भी हमने अरेस्ट किया है, उसको भी आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है और इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस चला है। अभी तक उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, मिल जाएगा उसमें अगर जो भी मिलेगा उसके उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। असल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को योगेश जाधव नामक छात्र ने सूचना दी थी कि महाराष्ट्र के कई जिलों में डमी रैकेट सक्रिय है। करोड़ों रुपए लेकर रैकेट चलाने वाले लोग गोरख धंधे को खुले आम अंजाम दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फौरन सीआईडी महकमे को आदेश दिया कि स्पेशल टीम बनाकर रैकेट की धरपकड़ करें। मास्टरमाइंड प्रबोध मधुकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये जानकर दंग रह गई कि इस डमी रैकेट में नामी गिरामी लोग शामिल हैं। देर से ही सही, पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसला लिया और सीआईडी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शंकर केंगार ने मामले की जैसे जांच की, वो काबिले तारीफ है। राशिद फजलानी, इन24 न्यूज़, नांदेड़।